आज का सेशन दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, दो फॉर्मूला, और शायद ये चैप्टर आज फिनिश हो जाए। एक तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और दूसरा क्यूब के फॉर्मूला। ओके, सिंपल है, दोनों के दोनों। ओके, पहले ये लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एनीबडी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? किसी को पता है? यस यस नोबडी। सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस टू ए सी प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, ये फॉर्मूला है ना? यस, दिस इज द फॉर्मूला। अब आपके बुक में ना पांच तीन चार फॉर्मूला दे रखे होंगे। मान लो अगर ऐसा होता है, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, है ना? इतने सारे फॉर्मूला रटना नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैंने जो लिखा है वो, है ना? और उसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? चल मैं एक दो एग्जांपल करवाता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। चलो यहीं से करेंगे डायरेक्ट एग्जाम्पल्स, अच्छे से ध्यान देना। ओके, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। बच्चा ये मेरा ए है पूरा, हाँ, ये वाला चीज मेरा b है पूरा, हाँ, और ये वाला चीज मेरा c है पूरा। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, वेरी गुड। अब ध्यान देना यहाँ पे, यस, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस b स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस c का स्क्वायर, दैट इज 4c का होल स्क्वायर, यस, प्लस 2 इंटू ये हो गया a इंटू ये हो गया b, 2 इंटू a इंटू b, यस, प्लस ये क्या हो गया 2 इंटू b इंटू c, प्लस 2 इंटू 2a इंटू 4c। ये देखो, ये हो गया, देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इस तरह से फॉर्मूला लगा दिया। बस कुछ नहीं, अब सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4 a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज 36, ये है डिवाइडेड बाय 36, 4 का स्क्वायर है 16, c का स्क्वायर इज c स्क्वायर। अब यहां पे देखो तो जरा, 2 1 जा 2 3 जा, सो गाइस ये हो गया 2 बाय 3 ab, है ना? यहां पे भी सॉल्व हो जाएगा, 2 1s are 2 3s are, so this becomes, बच्चों, this becomes 4 by 3 bc, है ना? और ये 2 2s are 4 2s are 8 ac, this is the solution, this is the final answer। और कोई लाइट टर्म्स है नहीं तो सॉल्व नहीं कर सकते हम। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, समझो थोड़ा थोड़ा, फिर कोई डाउट है तो पूछना। ओके, देखो गाइस, ये है मेरा a, यहां पे a इज नथिंग बट 3 है ना, b इज नथिंग बट माइनस 4 भी ले लेना, जब भी माइनस साइन है तो b के बदले माइनस 4 भी डालना, और बच्चों c इज इक्वल टू माइनस 5 c डाल देना, माइनस 5 c साइन के साथ में सब कुछ डाल देना हमारे फॉर्मूला में। ओके, व्हाट इज आवर फॉर्मूला? आवर फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज अलोंग विद साइन, यू डोंट हैव टू रिमेंबर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज। a स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज माइनस 4b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज माइनस 5c का स्क्वायर प्लस 2 इनटू a की वैल्यू है 3a, b की वैल्यू है माइनस 4b, है ना, प्लस 2 इंटू b की वैल्यू है माइनस 4b और c की वैल्यू है माइनस 5c, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है 3a और c की वैल्यू है माइनस 5c। तो साइन के साथ सब कुछ डाल देना सो दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर डिफरेंट फॉर्मूलाज। ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज प्लस 16 और b का स्क्वायर इज b स्क्वायर,
माइनस फाइव का स्क्वायर इज 25, सी का स्क्वायर इज सी स्क्वायर, है ना। अब ध्यान दो, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स फोर जा 24, लेकिन ये है माइनस, तो माइनस 24 ए बी। ओके, माइनस फोर इंटू माइनस फाइव इज प्लस 20, 20 इंटू टू इज 40, तो ये हो जाएगा प्लस 40 बी सी। साइन का अच्छे से ध्यान रखना है सिर्फ आपको, और कुछ नहीं, है ना। टू थ्री जा सिक्स, सिक्स फाइव जा 30, माइनस 30, माइनस 30 ए सी। दिस इज योर सोल्यूशन। यस, यही करना है और तो कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूला में मैं एक और चीज बताता हूं आपको, ठीक है। एक और चीज देखना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, क्या इन तीनों में से बच्चों मैं टू को कॉमन ले सकता हूं? हाँ, तो क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये भी एक ही बात, टू को कॉमन ले लिया, और हमको ये वाला फॉर्मूला भी कई बार यूज करना पड़ेगा। कहाँ यूज करना पड़ेगा ये मैं बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। बट एक ही है, दोनों भी फॉर्मूला सेम है। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लुक एट दिस। ए, ए कितना है मेरा यहाँ पे 4a, ओके। बी कितना है, चलो व्हाट इज बी, बी कितना है यहाँ पे बताओ एवरीबॉडी, माइनस बी बाय फोर, माइनस बी बाय फोर, माइनस बी बाय फोर साइन के साथ। और सी है मेरा 6c, सी इज नथिंग बट 6c, ओके। डाल दो फॉर्मूला में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। चल लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 4a का स्क्वायर प्लस माइनस बी बाय फोर का स्क्वायर प्लस 6c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a इंटू माइनस बी बाय फोर प्लस 2 इंटू माइनस बी बाय फोर इंटू 6c प्लस 2 इंटू 4a इंटू सी की वैल्यू है 6c। ग्रेट, लेट्स जस्ट सॉल्व दिस। तो 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर इज 16, है ना, प्लस 6 का स्क्वायर इज 36, सी स्क्वायर इज सी स्क्वायर। यहां देखो ये 4 से 4 कट जाएगा, है ना, यहां है माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस 2ab, ओके। ये 2 1 जा 2 2 जा और ये 2 1 जा 2 3 जा, करेक्ट। और यहां है माइनस, तो माइनस 3bc। बस इसको आराम से करना, कोई जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना। जितने आराम से मैं बता रहा हूं उतने आराम से ध्यान से करो, ओके। 2 4 8, 8 6 48, तो ये हो जाएगा बच्चों 48ac। दैट्स इट, दैट इज योर सॉल्यूशन। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एकदम सिंपल तरीका है फाइंड आउट करने का। क्या सब लोगों को समझ में आया, किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है क्या? एवरीबॉडी क्लियर? एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्या चैप्टर है? एक्सपांशन। क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्सपांशन कर रहे हैं। सी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ओनली वन टर्म, है ना। वन टर्म से हमने बना दिए 6 टर्म्स ऑल टुगेदर, तो एक्सपांड कर दिया उसको, बड़ा कर दिया उसको, है ना। अच्छा यहां देखो, यस, अगला सवाल। अब ये वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ध्यान देना अच्छे से। यस, छोटा सा टॉपिक है ये, कल ही खत्म करने वाले थे बट वो ज्यादा हो रहा था ऐसे लगा मुझे। लुक एट दिस, या यस सिद्धि सर, पहले वाले a plus b plus c is 14, a plus b plus c is equal to 14, ab bc ac, ab plus bc plus ac equal to 61, find the value of a square plus b square plus c square। भैया a square plus b square plus c square कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा, a plus b plus c का whole square is equal to, we know that a plus b plus c whole square is a square plus b square plus c square plus 2 into ab plus bc plus ac। क्या ये हमको पता है? हाँ पता है। ओके, तो फिर क्या a plus b plus c की वैल्यू पता है? हाँ पता है, 14, तो 14 का स्क्वायर।
क्या ये पता है? नहीं, ये तो फाइंड आउट करना है. ओके, प्लस 2 इनटू, क्या इसकी वैल्यू पता है? यस, 61 गिवन है. हो गया 196 माइनस ये 2 इनटू 61 कितना होता है? यस, 122 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. यस, तो आपको मिल गया वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. 6 माइनस 2 इज 4, 9 माइनस 2 इज 7, 74. तो इसका आंसर हो गया 74. देखो कितना सिंपल है, एकदम सिंपल. छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन. अच्छा, ये भी देखो फिर, ये भी देखो. ए बी बी सी ए सी दे दिया. ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज गिवन एज 11. ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे दिया. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 14. बोला है फाइंड ए प्लस बी प्लस सी. जो फाइंड करना है उसका स्क्वायर करना है. ओके, तो वी नो दैट a plus b plus c whole square is a square b square c square 2 into ab plus bc plus ac. खत्म है बच्चों, इसकी वैल्यू गिवन है yes 14 plus 2 into इसकी वैल्यू गिवन है 11 which is nothing but 14 plus 22 which is 36. a plus b plus c का whole square is 36. तो हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इज प्लस और माइनस 6. वेरी वेरी इजी, एकदम सिंपल क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं है, है ना. और यहां पर ये टॉपिक हो जाता है एब्सोल्युटली खत्म. कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, कम ऑन. द नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलास जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्यूब फॉर्मूला. दो फॉर्मूला है बच्चों क्यूब के, फिलहाल दो बताता हूं फिर और बताऊ. ओके, ए प्लस बी द होल क्यूब. क्या होता है ए प्लस बी द होल क्यूब? इट इज ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. कैसे आया? ऐसे आया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. सॉल्व करने का इसको, व्हाट इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी? a plus b ka whole square into a plus b. It is what? a square plus 2ab plus b square into a plus b. Ab is bracket ko isse multiply karo, aapko ye mil jayega. Right? So basically a plus b ko 3 bar khud se multiply karke humko milta hai a plus b ka whole cube. Theek hai? So this is the formula number 1 for a plus b whole cube. Achha, kya main isko aise likh sakta hu? a cube प्लस बी क्यूब को ए के पास में लिख दिया, है ना. प्लस बच्चों इन दोनों में से 3ab कॉमन ले सकता हूं क्या? हाँ, यस. देखो यहां से 3 कॉमन आ गया, एक a कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया, बचा क्या? एक a बच गया, यस. और यहां से देखो एक b बचेगा. दिस इज माय फॉर्मूला नंबर 2. कभी भी कोई भी यूज करने की जरूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. आपको दोनों में से कुछ भी यूज करना पड़ सकता है. ओके, क्या दोनों अलग अलग है? नहीं, सेम है. यस, बस इन दोनों में से कुछ तो कॉमन निकाल के हमने ये लिख दिया, 3ab कॉमन निकाला, बचता है 3ab into a plus b. अच्छा, और एक फॉर्मूला, a minus b the whole cube. What is a minus b the whole cube? It is a cube minus 3a square b plus 3ab square माइनस बी क्यूब. कैसे किया? ए माइनस बी को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करो, एक्सपांड करो, आपको मिल जाएगा. दिस इज फॉर्मूला नंबर 1. सेम चीज बच्चों, ए क्यूब, ये बी को पास में लिख रहा हूं, ए के माइनस बी क्यूब, और इन दोनों में से बेटा मैं माइनस 3ab कॉमन निकालता हूं. माइनस 3ab, देखो ये 3, एक a और एक b बाहर आ गया, अंदर बचा बस एक a. यहां से एक 3a और 2b है, उसमें से एक b मैंने बाहर ले लिया, बचता है सिर्फ माइनस b. दिस इज फॉर्मूला नंबर. देखो इस फॉर्मूला में प्लस है, यहां पे, यहां पे प्लस है, तो यहां पे भी प्लस, यहां पे भी प्लस, यहां पे भी प्लस.
इस फॉर्मूला में बीच में माइनस है तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, राइट। कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये भी बताऊंगा। ओके, अगले चैप्टर में हम लोग ये फॉर्मूला ज्यादा यूज करेंगे, अभी एक्सपांशन में ये यूज करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स में ये यूज करेंगे, नॉट वर्ड प्रॉब्लम्स, वो जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें, ठीक है। दीज आर द टू फॉर्मूलाज। क्या ये लास्ट ईयर भी पढ़े हैं आपने? यस, लास्ट ईयर भी पढ़े, दोनों फॉर्मूला पढ़ा है आपने। दीज आर क्यूबिक एक्सपांशन फॉर्मूलाज, फाइन। और इसको हम शुरू करेंगे और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल वाले। पहले एक्सपांड, ये क्या है? ए प्लस बी द होल क्यूब। बच्चों ए प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए स्क्वेयर इंटू बी प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, है ना। दिस इज नथिंग बट 27 ए क्यूब प्लस 8 बी क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, बी का क्यूब बी क्यूब प्लस, यहां ध्यान दो डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, यस 3 का स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 2 इज 18, 18 इंटू 3 इज 54, तो ये हो गया 54। ये है ए स्क्वायर और ये बी ए स्क्वायर प्लस, यहां देखो ये भी डायरेक्ट, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 ए बी स्क्वायर, ये ए और ये बी का स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म, है ना। ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल क्यूब, है ना। दूसरा वाला देखो, ये है मेरा ए, है ना, और ये है मेरा बी, ए माइनस बी द होल क्यूब। क्या होता है, फॉर्मूला लिख के देता हूं एक बार, है ना। a माइनस बी द होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस, बीच में प्लस, बीच में प्लस, थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ऐसा फॉर्मूला है ना। डाल दो यहां पे वैल्यूज गाइस। a क्या है, 2x, तो मैं लिखूंगा 2x का क्यूब माइनस 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू है 5y, साइन के साथ नहीं लेना, बिना साइन के ले रहा हूं, ओके, प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 2x, बी, देखो माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, ये माइनस ऑलरेडी है, बी है आपका 5y का स्क्वायर माइनस 5y का क्यूब। धीरे धीरे एक एक स्टेप बता रहा हूं, है ना। 2 का क्यूब 8x क्यूब माइनस, यहां देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 is 12, 12 5 is 60, so minus 60, ये x square, ये y, x square, y, plus, ये 5, 5 का square 25, 25 into 2 is 50, 50 into 3 is 150, x, y square, ये x और ये y square, minus, 5 का cube is 125 y cube, that's the expansion, that's it, khatam. चलो बेसिक एक्सपांशन सबको सर, जो मेनली एग्जाम में आएगा वो है ये क्वेश्चंस, सिंपल, कल जैसे किया था वैसे का वैसा, थिंकिंग प्रोसेस भी वही रखना है, ओके। ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 दिया है, ए बी इज इक्वल टू 12 दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, कैसे मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कैसे मिलेगा, ए प्लस बी के होल क्यूब करने से मिलेगा, तो कर दो, a प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला यूज करना। क्यों ये वाला फॉर्मूला? क्योंकि हमको ab की वैल्यू पता है, क्योंकि हमको a प्लस बी की वैल्यू पता है, है ना। चलो, व्हाट इज a प्लस बी की वैल्यू? a प्लस बी इज 8, 8 का क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू है 12 और ए प्लस बी की वैल्यू है 8, खत्म, कुछ बचा ही नहीं, yes, कुछ भी नहीं बचा। चल क्या करें, yes, 8 का क्यूब, एनीबडी, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 8, एनीबडी,
वेरी गुड 512 है ना, ये देखो यहाँ पे, यस ये है 24 इंटू 12 फोर जा 48, 12 टू जा 24 प्लस 4 28, यस तो -288 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहां से आपको मिल जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। एक और देखो, तो जरा एक और देखो, यहां आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे बच्चे गलती करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस ध्यान देना। ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपको बोला है बच्चों फाइंड आउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड आउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, फटाफट उसके जवाब देना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे मिलेगा, सबका आंसर चाहिए मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे मिलेगा? यस सर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, वेरी गुड, है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वेरी गुड, ठीक है। यहां से देखो बच्चों, मुझे ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलने वाला है, वेरी गुड। ए प्लस बी की वैल्यू पता है क्या? हाँ हाँ पता है, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। अरे यार, ए बी की वैल्यू नहीं पता, पता होती तो खटाक से काम हो जाता, वेरी गुड, कोई बात नहीं, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है आपको, है ना, तो इसको यूज करके हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे, कैसे? यस ऐसे, ए प्लस बी द होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इनटू ए प्लस बी। देखो यहां सब कुछ पता है, ये है 8 का क्यूब इक्वल टू, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज 152, बच्चा इसकी वैल्यू डाल दी 152, प्लस 3ab इनटू ए प्लस बी इज 8, है ना, ये देखो 512, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 152, है ना, प्लस सॉरी प्लस इक्वल टू 3 8 24 ab, यस ये क्या हो गया देखो 0, और ये हो गया 6, और ये हो गया 3, सही है, 360 इज इक्वल टू 24 ab। यहां से मुझे मिलेगा ab इज इक्वल टू 360 अपॉन 24, 12 3 0 12 2 0, करेक्ट, विच इज नथिंग बट 15, मिल गई ए बी की वैल्यू, है ना, कैसे मिली समझा। सबसे पहले क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैसे मिलेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर कर दिया, लेकिन अटक गए क्योंकि हमको ए बी नहीं पता था। ओके, ए बी कैसे मिलेगा, और भी कुछ तो दे रखा है ना, उसका यूज करो, क्यूब दे रखा है, ए प्लस बी का होल क्यूब कर दो, आपको ए बी मिल जाएगा, है ना, तो ये हो गया देखो 64 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 into 15, यस विच इज 64 - 30 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कितना होता है 34, द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 34। क्या सब लोगों को समझ में आया? Everybody, I want to hear from everyone. Yes, हर एक आवाज आना। Yes, sir. अगर सच में समझ में आया तो ये वाला क्वेश्चन करके बस ये ध्यान देंगे। सेम सवाल पूछ रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे मिलेगा? दो रास्ते हैं बच्चों, ए प्लस बी होल स्क्वायर करोगे तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर करोगे तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। मैं ना ए माइनस बी होल स्क्वायर करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है, इसलिए मैं ए माइनस बी होल स्क्वायर करूंगा।
तो मैं करूंगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके, a माइनस बी की वैल्यू है 4 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यार ये ए बी की वैल्यू पता नहीं है, है ना, लेकिन मेरे पास यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है, है ना, इससे मैं a माइनस इससे मैं ए बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे मिलेगा, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। यस, इसकी वैल्यू है 4 का क्यूब इक्वल टू, बच्चा इसकी वैल्यू है 124, इसकी वैल्यू है 124 माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू है 4, गिवन है a माइनस बी इज 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64 इज इक्वल टू 124 माइनस 12 ए बी। ओके, ये 12 ए बी को यहां पे लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 64 प्लस 12 ए बी इक्वल टू 124, 12 ए बी इक्वल टू 64 को यहां लेकर के आता हूं, यस यस, तो ये हो जाएगा 60, 124 माइनस 64 इज 60, तो यहां से मुझे मिलता है ए बी इज इक्वल टू 60 बाय 12 विच इज 5। यस, मिल गई ए की वैल्यू, ए बी की वैल्यू 4 4 जा 16 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10, यहाँ आके हो जाएगा प्लस 10, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 10 26, और ये आंसर तो किसी का भी नहीं आया, कोई 56 बोलता है, कोई 6 बोलता है, कोई 10 बोलता है, कोई 14 बोलता है, भगवान जाने कैसे कैसे आंसर्स आए हैं आपके, है ना, क्लास में मेरे सामने होते तो मैं नोटबुक चेक करके आपको बताता क्या गड़बड़ कर रहे हो, है ना, अनफॉर्चुनेटली नहीं बता सकता अभी। चलो, क्या सबको खुद की गलती समझ में आई, एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, कल के जैसे क्वेश्चन थे वैसे, ये वैल्यू दे दी आपको, बोल रहा है इसका वैल्यू पता करो, तो ये है एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब, कैसे मिलेगा भैया, जो गिवन है उसका क्यूब कर दो, एक्स माइनस 2 बाय एक्स इज इक्वल टू 3, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, अभी कोई लिखना नहीं, पहले प्लीज पूरा ध्यान दो, है ना, तो बच्चों इधर से हो जाएगा एक्स माइनस 2 बाय एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब, वेरी गुड। ये क्या होता है देखो तो जरा ध्यान दो अच्छे से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये 2 बाय एक्स का क्यूब माइनस यस 3 ए बी 3 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी या ए माइनस बी, है ना, देखो बच्चों ये है मेरा ए ये है मेरा बी, तो मैंने लिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी, अच्छा ये 3 ए बी 3 ए बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 27, है ना, यहां से देखो x से x कट गया तो आई एम लेफ्ट विद x क्यूब माइनस 8 अपॉन x क्यूब माइनस 3 2 जा 6 इंटू, बच्चा इस ब्रैकेट की वैल्यू तो ऑलरेडी 3 दे रखी है ना, तो ब्रैकेट की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 27, ये 18 इधर आके ऐड हो जाएगा तो मुझे मिलेगा x क्यूब माइनस 8 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू 27 प्लस 18, यस, तो ये कितना हो गया देखो 5 1 2 3 4 45, द आंसर इज 45, सिंपल एकदम, है ना, तो हमने क्या किया, ये निकालना था, क्यूब कर दिया दोनों साइड में, तो क्यूब करने से देखो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ब्रैकेट की वैल्यू आपको पता है और यहां से ये एक्स कट हो जाएगा, सिंपल एवरीबॉडी, एकदम क्लियर है अंडरस्टैंडिंग, यस सर, यस सर। अच्छा अगला सवाल देखो तो जरा बच्चों, पहले ये वाला ले रहा हूं, ओके, एक क्वेश्चन बीच में स्किप किया, वापस जाता हूं, क्या बोल रहा है ये ये ये, ओके वन सेकेंड, गिव मी वन मोमेंट, चलो दोनों सेम ही है,
ठीक है, ध्यान दो अच्छे से, ये दे रखा है आपको, सी 4x² + 1/9x² ये आपको दे रखा है, ओके okay? ये है 8x³ और ये है 27x³, इसकी वैल्यू पूछी है। हाँ, थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ क्या कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू नो योर थॉट प्रोसेस, थिंक सर हम पहले लेंगे 2x + 1/3x का होल स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बच्चों, ये 2x का स्क्वायर है, ये 2x का क्यूब है ना, तो मैं ले रहा हूं 2x यहां पर, ये है 1/3x का स्क्वायर, ये है 1/3x का क्यूब, मैं लिखूंगा 1/3x का होल स्क्वायर। क्यों स्क्वायर लिया मैंने, क्योंकि यहां पे पहले स्क्वायर दे रखा है ना, ओके okay. इसका स्क्वायर क्या होता है, देखो 4x² + b² + 2 into a into b, yes, a² + b² + 2ab, वेरी गुड। ये यहां से x कट गया बच्चों, क्या इसकी वैल्यू मुझे पता है, हाँ पता है, 14 2/3 which is nothing but 44/3 44/3 plus 2 2's are 4 4/3 4/3 which is nothing but 48/3 which is nothing but 16. 2x + 1/3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले लोगे तो 2x + 1/3x कितना हो जाएगा, +-4 है ना, तो इसकी वैल्यू हो गई +-4। हम लोग +4 लेकर के सॉल्व करने वाले, ओके okay? अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, ये जो चीज दे रखी है इसकी वैल्यू हमको चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी, इसका क्यूब करके, सी 2x + 1/3x = 4, ये मिला है, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो क्यूब लेने के बाद यहां क्या हो जाएगा, देखो 2x + 1/3x का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, यस, ये हो जाएगा देखो a³ + b³ + यस 3 into a into b into a plus b, है ना, 3ab a plus b is 64। यहां से देखो ये x और ये x कटेगा, ये क्या है, ये है 8x³ + what is this 1/27x³, देखो मिल गया ये, ओके प्लस ये 3 से 3 भी कट जाएगा, यहां पे बचा 2 इनटू, बच्चों ये ब्रैकेट की वैल्यू तो 4 मिल चुकी है हमको, इज इक्वल टू 64। सो 8x³ + 1/27x³ इज इक्वल टू 64 - 8 विच इज 56। एवरीबडी क्लियर विद दिस, क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, देखो ये 2x का स्क्वायर है, ये 3x का, ये 2x का क्यूब है, ये 3x का, है ना, तो हमने 2x + 1/3x से शुरुआत की और उसका होल स्क्वायर निकाला, होल स्क्वायर से हमको इस ब्रैकेट की वैल्यू मिल गई 2x + 1/3x, फिर उसका क्यूब करना पड़ा क्योंकि हमको क्यूब की वैल्यू चाहिए थी। एवरीबडी कंफर्टेबल विद दिस, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है या एनीथिंग? नो सर। बाकी लोग, अगर सच में ये समझ में आया तो बच्चों मुझे ये वाला करके बताओ। नाउ कम ऑन स्टार्ट, देखो यहाँ पे बच्चों वंस अगेन, ये किसका स्क्वायर है, 5x का, है ना, ये किसका स्क्वायर है, 2x का, सो +1/2x, ये किसका क्यूब है, 5x का, करेक्ट, और ये किसका क्यूब है, ये 8x³ किसका क्यूब है, 2x का, है ना, तो मतलब इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, इसका अगर मैं क्यूब करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ओके तो बच्चों हम पहले इसका स्क्वायर करते हैं, ये है a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट a² + b² + 2ab, everybody focus here, very good, which is equal to
which is equal to 25x square plus 1 upon 4x square plus ये 2 से 2 कटा और x से x कटा, we are left with 5. बच्चों क्या इसकी वैल्यू मुझे पता है? हाँ 20, देखो 20 plus 5, that is 25, ये मुझे मिल गई वैल्यू 5x plus 1 upon 2x के whole square की, है ना? स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड में, स्क्वायर रूट तो ये हो जाएगा, देखो 5x plus 1 upon 2x is plus or minus 5, है ना? मैं plus 5 को लेके सॉल्व कर रहा हूं, देखो यहां पे क्यूब करूंगा मैं, 5x plus 1 upon 2x का होल क्यूब कितना होता है? इसका होल क्यूब छोटा लिखता हूं थोड़ा, ओके, 5x plus 1 upon 2x का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, है ना? यहां देखो इसकी वैल्यू पता है क्या? हाँ पता है, 5, ये हो गया 5 क्यूब, है ना? Is equal to this is 125 x cube plus this is 1 upon 8 x cube plus, देखो यहाँ पे ये x से x कट गया, what are we left with, 3 5s are 15 divided by 2 into, इसकी वैल्यू पता है क्या हमको? है ना? Yes पता है, 5 है इसकी वैल्यू, 5, so this is 125 equal to 125 x cube 125 x cube plus 1 upon 8 x cube plus ये कितना होता है, 75 upon 2, ये 75 upon 2 इधर आके subtract हो जाएगा, तो बच्चों मुझे मिलने वाला है, yes 125 minus 75 upon 2, इसको कैसे solve करेंगे, yes इसको मैं करूंगा into 2 upon 2, तो ये हो जाएगा 125 into 2 is 250 minus 75 divided by 2, है ना? 250 minus 75 is 175 upon 2, yes 8s are 16, yes 16 15 कितना होता है, 7s are 14.5, 87.5 is your answer, है ना? स्पंदन फिर से कुछ तो गड़बड़ किया यार, है ना? ओके, ये तो कल वाले क्वेश्चन की तरह है, x square minus 4x plus 1 is 0, आपको बोल रहा है x cube plus 1 upon x cube निकालो, x cube plus 1 upon x cube, ये कैसे मिलेगा, x plus 1 by x के whole cube से, है ना? x plus 1 by x कैसे मिलेगा, इसको x से डिवाइड कर दो, x square plus 1 equal to 4x, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, ऐसे मत लिखो 1 को, ऐसे x square minus 4x equal to minus 1, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ, ठीक है, ध्यान से समझो, yes, now divide everybody by x, इसको x से divide, इसको x से divide, और इसको x से divide, okay, I'm so sorry, x square plus 1 equal to 4x, क्या किया, 4x को यहां लेकर के गए, divide everybody by x, इसको भी x से divide, इसको भी x से divide, इसको भी x से divide, यहां देखो एक x कटेगा, इधर भी कटा, x plus 1 by x equal to 4, मिल गया, अब क्यूब कर दो दोनों साइड में, इधर भी होल क्यूब, इधर भी होल क्यूब, तो बच्चों ये हो जाएगा a क्यूब plus b क्यूब plus 3ab, है ना, into a plus b, 3ab into a plus b, okay, which is equal to 4 4s are 16, 4s are 64, है ना, चलो, x cube plus 1 upon x cube, है ना, ये x से x कटा, हमारे पास बचा 3, और बच्चों इस bracket की value क्या मिली थी, 4, which is equal to 64, so, x cube plus 1 upon x cube, is 64 minus 12, which is 52. एकदम सिंपल.
क्या सबको समझा? सेम क्वेश्चन कल किया था, सिर्फ बच्चों यहाँ पे स्क्वायर था उसमें, स्क्वायर है ना, अब क्यूब है, तो वही x से डिवाइड करो और क्यूब निकालो, है ना। अगर ये समझ में आया तो झट से मुझे ये बताओ कैसे करें, कम ऑन टेल मी, अभी बता दो क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। अरे यस, ये x इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया, इसको भी x दिया, इसको भी x दिया, तो ये यहां से देखो एक x कट जाएगा। What are we left with? x minus 1 by x is equal to 8. क्यूब चाहिए तो टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 into a into b into a minus b equal to 512. ये हो गया x cube minus 1 upon x cube, ये कटा 3 into, बच्चा इस ब्रैकेट की वैल्यू 8 मिली थी हमको, equal to 512. So x cube minus 1 upon x cube is 512 minus, इधर minus 24 है, इधर जाके हो जाएगा plus 24. So x cube minus 1 upon x cube is 456213536 is the value of this. Great. Thank you. Chalo. Simple. Evaluate this using algebraic formula. Iska cube nikalo using formula. To isko hum kaise likhenge? 10 plus 10.3 ka whole cube is equal to 10 plus 0.3 ka whole cube, which is nothing but a cube plus b cube plus 3 into b into a plus b. ऐसा मैं निकाल सकता हूं यूजिंग आइडेंटिटी बोला है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1000 प्लस, हाँ ये हो जाएगा 0.027, देखो यहां 0.027, 3 3s are 9 3s are 27, plus 3 10s are 30, 30 into 0.3 is 9, into ये हो जाएगा 10.3. yes, आप इसको add कर लेना, solve करो, that's it करो. yes, algebraic formula use करके find करना था, very very simple. same कल भी किया था ऐसे ही question, देखो यहाँ पे ये है a cube 69 का cube plus 3 into a square into b, b है हमारा 1, ये देखो b cube 1 है 1, plus 3 into a into b का square. What is our a in this formula? 69. And बच्चों what is our b in this formula? 1. तो क्या इसका value हो जाएगा 69 plus 1 का whole cube? Yes, that is 70 का cube. What is the cube of 7? 343. 7 का cube कितना है? 343. और 3 0, 1 2 3, क्योंकि cube है ना, तो 0 का भी 3 zeros हो जाएगा. 343000 is the answer. है ना? Same देखो, एक और question रहेगा. Okay, not yet, but ये clear है? ये clear है? अगला question भी similar है, similar. Everybody with this? Yes, ये वाला देखो तो जरा क्या बोल रहे हैं. इवेल्युएट x माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू x माइनस 2 माइनस 8, इसकी वैल्यू निकालो व्हेन x इज इक्वल टू 4.2. x की वैल्यू 4.2 डालना है और इसका वैल्यू निकालना है, तो बच्चों आपके पास पहला ऑप्शन है x की वैल्यू डाल दो, है ना, 4.2 माइनस 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 4.2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 4.2 माइनस 2 माइनस 8, है ना, यस, तो ये हो जाएगा 2.2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2.2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2.2 माइनस 8. भगवान, इसका क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई, कौन करेगा इतना सा, कौन करेगा, इतना टाइम लगने वाला है कैलकुलेशन. क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ?
Anybody? Can I do something else? Can I do something else? Come on, think and help me. Can I do something else? जी हाँ मैं कुछ और कर सकता हूँ। हम फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाऊ कैसे लगाऊ कैसे लगाऊ कौन सा लगाऊ ओके है ना कैसे लगाऊ कौन सा लगाऊ ध्यान देना अच्छे से एकदम अच्छे से ध्यान दो है ना यहाँ पर भी x माइनस टू है यहाँ पर भी x माइनस टू है यहाँ पर भी x माइनस टू है तो मैं बोल देता हूँ सिंपल करने के लिए लेट x माइनस टू बी इक्वल टू a चलेगा x माइनस टू के बदले a डाल दिया ठीक है ओके तो ये हो जाएगा बच्चों a क्यूब माइनस ये जो 6 है ना 6 को मैं लिखता हूँ 3 इंटू 2 इंटू a का स्क्वायर प्लस ये जो 12 है ना 12 इसको मैं लिखता हूँ 3 इंटू 4 इंटू a 3 इंटू 4 इंटू a माइनस 8 चलेगा क्या और बच्चा लोग ये 8 को मैं लिखता हूँ 2 का क्यूब आहा क्या बात है देखो तो जरा ये हो गया a क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू b स्क्वायर इंटू a माइनस b का क्यूब तो क्या ये हो चुका है a माइनस 2 का होल क्यूब क्या ये हो चुका है a माइनस 2 का होल क्यूब जी हाँ ये है a माइनस 2 का होल क्यूब अब मैं a के बदले दोबारा x माइनस 2 डाल दूंगा x माइनस 2 माइनस 2 का होल क्यूब a के बदले मैंने डाल दिया x माइनस 2 विच इज इक्वल टू बच्चो x माइनस 4 का होल क्यूब विच इज नथिंग बट अब x की वैल्यू डाल दो 4.2 4.2 माइनस 4 का होल क्यूब विच इज 0.2 का क्यूब है ना 2 2 4 2 8 तो ये हो जाएगा 0.008 लुक हाउ सिंपल इट हैज बिकम कैलकुलेशन कुछ नहीं करना पड़ रहा है ना देयर इज नो कैलकुलेशन अगर आपका दिमाग चल जाए अगर आपके दिमाग की बत्ती चल जाए तो यहां पर भी देखो बच्चों ये है मेरा a a क्यूब है ना ये है मेरा 3 इंटू 2 इंटू a का स्क्वायर तो डायरेक्ट मैं यहां से लिख सकता था x माइनस 2 माइनस 2 का होल क्यूब विच इज नथिंग बट x माइनस 4 का क्यूब है ना डायरेक्ट हो सकता था ये तो मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा किया क्या आपको एग्जाम में ऐसे करना है हाँ ऐसे करना है एग्जाम यस सी a क्यूब माइनस ये 3a स्क्वायर b ये 3ab स्क्वायर और ये 8 ये 12 को मैंने लिखा 3 इंटू b स्क्वायर है ना ये 6 को मैंने लिखा 3 इंटू 2 यस थोड़ा सा ट्रिकी बट क्या सबको समझ में आया बहुत डिटेल में समझाया उसको एवरीबॉडी कोई डाउट है तो प्लीज पूछो सो आगे का पार्ट हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे पहले ये क्वेश्चन मैंने चैलेंज दिया था लेट्स डिस्कस दैट ओके चल